त्योहारी सीजन को लेकर ज्वाला जी प्रशासन ने कमर कस ली है। लोगों की सेहत से किसी तरह से खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने पहले ही खाद्य सामग्री व मिठाई के विक्रेताओं को मिलावटी मिठाई न बेचने को लेकर सचेत कर दिया है। साथ ही ये स्पष्ट किया है कि इस बीच प्रशासन के पास इस तरह की कोई भी शिकायत पहुँचती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यही नहीं, SDM ज्वाला जी अंकुश शर्मा ने मिठाई विक्रेताओं से यहाँ साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखने के साथ साथ मिठाई की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने के निर्देश विक्रेताओं को दिए। त्योहारी सीजन को लेकर ज्वालामुखी प्रशासन ने कमर कस ली है। लोगों की सेहत से किसी तरह से खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने पहले ही खाद्य सामग्री व मिठाई के विक्रेताओं को मिलावटी मिठाई न बेचने के लिए सचेत कर दिया है। साथ ही यहां स्पष्ट किया है कि इस बीच प्रशासन के पास इस तरह की कोई भी शिकायत पहुंचती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यही नहीं, SDM ज्वालामुखी अंकुश शर्मा ने मिठाई विक्रेताओं से यहां साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए साथ साथ मिठाई की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने के निर्देश विक्रेताओं को दिए हैं। इसके अलावा खुले में बिकने वाले पदार्थों को लेकर भी प्रशासन ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि विक्रेताओं द्वारा खुले में बेचने वाले खाद्य पदार्थों को लेकर प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दरअसल ज्यादातर देखने को मिलता है कि कुछ एक मिठाई विक्रेता अपनी मिठाइयों को खुले में बेचते हैं, वो अपने सामान को ढककर नहीं रखते हैं और कई बार लोगों को स्वास्थ्य तक खराब हो जाता है और वे बीमार हो जाते हैं। इसे लेकर प्रशासन की ओर से पहले ही सभी विक्रेताओं को सचेत कर दिया है ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। इसके अलावा प्रशासन ने ज्वालामुखी में बिकने वाले पटाखों को लेकर स्थान चिन्हित कर दिया है। भीड़ भड़क के जैसे ज्वालामुखी शहर में लोगों की हलचल को देखते हुए वो उनकी सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर प्रशासन ने इस बार ज्वालामुखी स्कूल में पटाखों के विक्रेताओं को स्टॉल लगाने की अनुमति दी है। इसके तहत अब लोगों को पटाखों की खरीदारी के लिए स्कूल में जाना पड़ेगा। वहीं शहर के बाजार में इस बार पटाखा विक्रेता अपने स्टॉल नहीं लगा पाएंगे। प्रशासन व नगर परिषद ज्वालामुखी ने इस बार लोगों की सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर ये पहल की है। पटाखों की बिक्री के लिए नगर परिषद के माध्यम से हमने स्थान चिन्हित कर दिया हुआ है, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मैदान। तो मेरी सभी पटाखा बेचने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि वो वहीं पे एक ओपन में अपने सामान को रख के उसकी बिक्री करें। इसी तरह से मिठाई विक्रेताओं से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो कोई मिलावटी मिठाई ना बेचें, किसी ऐसे मटेरियल की मिलावट ना करें जिससे कि लोगों की सेहत को नुकसान हो, और अगर ऐसा कुछ करेंगे और प्रशासन के ध्यान में आएगा तो हमें फिर मजबूरन नियमानुसार कार्रवाई करनी पड़ेगी।